हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में, आपके अपने सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पे नया आ रहा है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स कि मेरे पास जितने भी 93.8% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चैनल देख के ही आगे बढ़ जाते हैं। मेरा मानना है कि फ्रेंड्स इससे मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग भी यहाँ सब्सक्राइब बटन पे टिक कर दीजिए और बेल आइकन बटन दाब दीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स ट्रूली सेट की मोटिवेशन मिलता है इस चीज से जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बात आती है 22 सितंबर की, तो आपके पास कौन कौन से शेयर वॉच लिस्ट में होने चाहिए। तो नंबर पहला शेयर सबसे पहले आपकी स्क्रीन के सामने DBL, बहुत ही धमाकेदार कंपनी और जबरदस्त रिटर्न इसका DBL का, HFCL लिमिटेड। फ्रेंड्स केवल आपके साथ ही ऐसा नहीं होता है कि शेयर आपने बेचा और शेयर बढ़ गया। DBL लिमिटेड इज वन ऑफ द शेयर की जो कि मेरे प्रोफाइल में था, और जैसे ही मैंने बेचा है इसमें बूस्टर लग गए। फ्रेंड्स मेरे पास ये शेयर 250 रुपये से था, और फ्रेंड्स मैंने इसको 350 रुपये में खाली कर दिया, 350 रुपये पर 100 रुपये मूव लेके। और फिर ये शेयर ने जो दिया ना बम्पर तरीके से, कि आज भी लगता है मेरे को यार हाथ से निकल गया है ना। तो होता है ऐसा, तो आपको अल्टीमेटली क्या होगा कि एक्सपीरियंस से ही आपको सब कुछ आएगा, समझ रहे हैं आप। आपको एक्सपीरियंस से ही हर चीज़ मार्केट में आएगी, और मार्केट बहुत तरीके के एक्सपीरियंस देगा आपको। अगर आपका नया नया एक्सपीरियंस है तो बहुत कुछ देगा। एनुअल जनरल मीटिंग फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की है, हिंदुस्तान कॉपर है, IDFC लिमिटेड की है, आइनॉक्स लेजर। आइनॉक्स लेजर पे आपकी नज़र होनी चाहिए क्योंकि कोरोना के केसेस धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहे हैं और अप्रोक्सीमेटली इंडिया फिर से खुलने लगा है, तो इस शेयर में आप मूव आ सकता है, तो आपकी नज़र में होना चाहिए। और जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसकी भी एनुअल जनरल मीटिंग है, एक IPO चूंकि क्लोज हो रहा है तो ये आपके मतलब की बात है नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा IPO क्लोज हो रहा है। वही फ्रेंड जिसकी भी बात करी थी 2 दिन पहले, क्वाड प्रो ITES लिमिटेड। इस IPO पर नज़र आपकी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये IPO हम लोगों के लिए नहीं है।